नमस्कार दोस्तों, इस समय हम अयोध्या के हनुमानगढ़ी में, आप देख सकते हैं यही हनुमानगढ़ी का नज़ारा है। और एक अभी तेजस्वी यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा है, आप देख सकते हैं किन्नर समाज के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। चलिए इनसे हम बात करते हैं। कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। आपने देखा होगा जो रामलला का जो पूर्व में फैसला आया, मंदिर भी बन गया है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपना पूर्ण परिचय दे दीजिए। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, ओम नमो नारायण। मैं हूँ माँ पवित्र नंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा उज्जैन पीठ। जी दर्शक लोग आपका पूर्ण परिचय जानना चाहते हैं, आपने तो शॉर्ट में बता दिया। मैंने सही बताया ना जी, आपने जानकारी मिली है कि आप पूर्व में पत्रकार का भी कार्य इस तरह का। अच्छी, मैं हूँ माँ पवित्र नंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा उज्जैन पीठ। पत्रकारिता तो वो टाइम चला गया, अब तो मैं सन्यासी साधु बन गई हूँ और सनातन के साथ चल रही हूँ। मेरा BSc नर्सिंग एजुकेशन हुआ है और मैं NGO चलाती हूँ मेरे स्टेट पे, महाराष्ट्र और MP में मेरी ट्रस्ट है। और आज मैं यहाँ अयोध्या आई हूँ राम जी के दर्शन के लिए और यही चौका चौंध देखने के लिए कि हमारे इस वाले जो मौजूद सरकार है उन्होंने कितने अच्छे से अयोध्या को सजाया है, राम मंदिर को सजाया है और कैसे यहाँ का डेवलपमेंट किया है, ये भी देखना था। और एक राम का दर्शन करने का भी एक बहुत इच्छा थी तो हम आए हैं। आपने यहाँ क्या देखा, उज्जैन से चल के आप यहाँ आई और आपने क्या अच्छा देखा? हमने सब कुछ देखा है जो हमें ऐसे लग रहा है कि हम त्रेता युग आ गए हैं और अयोध्या नगरी को स्वर्ग बनाने जा रहे हैं। और 22 तारीख के बाद यहाँ पे राम राज्य होगा जब राम अपने सही में घर में अपने गर्भगृह में पधारेंगे। तब ये एक अभी तेजस्वी यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मंदिर यदि बना देंगे तो लोगों को खाना नहीं मिल जाएगा, चोट लगेगी तो अस्पताल जाना पड़ेगा, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? तो तेजस्वी यादव को बोलो कि अपना बिहार संभाले, अगर यहाँ पे रोजगार नहीं है तो क्या है, रेलवे स्टेशन बन गया, बस डिपो बन गया, आज पूरे अवध नगरी में गरीब से गरीब समोसे भी बेच रहा है, सब्जियाँ बेच रहा है, मालाओं की दुकान लगा रहा है, मिठाई बेच रहा है, तो ये सबके लिए रोजगार है। इतना बड़ा एयरपोर्ट बन गया है, उनको बोलो कि पहले अपने UP के लोग, बिहार के लोग महाराष्ट्र में या ऐसी जगह पर काम करने मत भेजो, अपना डेवलपमेंट खुद करे फिर दूसरों को बोले। इस तरह से उनको शुभकामना दीजिएगा, जैसे आप लोग गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी तो शुभकामना। तेजस्वी यादव से तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत हैंडसम है और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे हमेशा, लेकिन एक राजनीतिक तौर पे उनके लिए मेरा संदेश यही है कि वो अच्छे मंत्री बने, अच्छे नेता बने, जो उनके फादर ने किया है वो करें, अच्छा काम करें और आज वो अपने आप को आगे बढ़ाए। लेकिन ये बेतुके भाषण से कुछ होने वाला नहीं है, राम मंदिर बन गया, 22 तारीख के बाद सब कुछ अच्छा होगा, चाहे कोई कुछ भी बोलेगा। एक सवाल आपसे और होगा, भी आप रुके रहिएगा, प्लीज आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं गुजरात से हूँ, माँ भैरवी नंदगिरी मेरा नाम है, गिरनारी माता जी से लोग जानते हैं, गिरनार पर्वत से हूँ मैं। लोग जानना चाहते हैं कि आप लोगों का और भी परिचय जो होता है, जो पूर्ण हम चाहेंगे कि परिचय जी में। बस यही है, हमने तो राम के जन्म पे भी हमारे किन्नरों ने बधाई गाई थी, वो वनवास जा रहे तभी राम थे, वनवास से आए तभी राम है, अब जब कहीं ना कहीं राम भगवान अपने घर पे जा रहे हैं, वापस आ रहे तभी हम हैं। एक सवाल आपसे और होगा, आप ये जानना चाहेंगे आप लोग अपने किन्नर समाज के लिए, उन्होंने तो मंदिर के लिए कर दिया, हॉस्पिटल भी बनवा दिए और भी फैक्ट्रियाँ भी बना दिए, एयरपोर्ट भी बना दिए, लेकिन आप अपने किन्नर समाज के लिए आप लोग क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते। देखो किन्नर समाज के लिए भी UP सरकार ने वेलफेयर बोर्ड, किन्नर वेलफेयर बोर्ड बनाया, ऐसे हम चाहते हैं हर प्रदेश में किन्नर समाज का वेलफेयर बोर्ड हो। आप कुछ कहना चाहिए? 2014 के बाद इस सरकार ने हमें हमारे सारे जो मूलभूत चीज़ें हैं सबका ये दिया है और हमारी सारी पॉलिसीज बन गई हैं, हमारे बहुत सारे किन्नर, कोई पुलिस बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो ये एजुकेशन दे रहे हैं, हमारे लिए सबसे अच्छा किया हुआ। एक सवाल आपसे भी और होगा, कुछ हिंदू सनातनी के लोग कह रहे हैं कि जो मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को करेंगे उनको नहीं करना चाहिए और यहाँ आने से कुछ लोगों को मना किया जा रहा है। किसी को मना नहीं किया जा रहा है, लोग आना नहीं चाहते, जिसके मन में पाप है वो राम का नाम नहीं ले सकता है, जिस जो राम से प्यार करता है वो आने आएगा, प्यार करते वो जरूर आएंगे, जो राम से प्यार नहीं करे वो तो वैसे भी नहीं आ पाएंगे। इस पे आप लोगों की क्या राय, आप लोग किन्नर समाज से, लोग कहते हैं कि किन्नर तो है, बहुत से ऐसे वीडियो वायरल होती है किन्नर समाज का, लोग कहते हैं कि हम किन्नर तो है लेकिन किन्नर जैसा मेरा दिमाग नहीं है।
जी, वो सब सबकी मन घड़त देखो सोच होती है, जो जैसी जो जैसा होता है वैसे ही सोचता है। हम तो है जो है और हमें गर्व है, हम ऐसे जैसे भी है, हमारे भगवान ने बनाया। हम शिव भी है, हम शक्ति भी है, मैं नर भी हूँ, नारी भी हूँ, अर्धनारीश्वर भी मैं हूँ, मुझे गर्व है मेरे अवतार पे। मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा लोग कराने से लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग हैं वो चाह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ना करें, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय? देखो, मंदिर को बनने में भव्य से भव्य योगदान मोदी जी का ही है। आपने सुना होगा मोदी है तो मुमकिन है, तो जब भव्य से भव्य योगदान जिनका रहेगा वो तो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो मोदी को इंसान नहीं है, इंसान के रूप में एक संत है, वो संत भगवान है, वो संत है और संत ही ये सब कर सकता है, तो प्राण प्रतिष्ठा भी वही करेंगे। बहुत बहुत बधाई देते हैं हम हमारे सीएम साहब को और पीएम साहब को कि उन्होंने हमारे लिए नया राम राज्य लाया है और बहुत अच्छा।